बचपन से मैंने एक चीज सुना है अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने बड़ों से, कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मेरी संगत बहुत बुरे बुरे लोगों के साथ है और बहुत अच्छे लोगों के साथ भी है। फिर भी जरूरी नहीं कि उनके गुण मेरे में चले आए और मेरे गुण उनमें चले आए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज मैं आपको बहुत संगत का नाम मैंने इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं ये लाइन सही भी होती है, कहीं गलत भी होती है। मैंने खुद पे अप्लाई किया तो मुझे गलत लगा, और लेकिन जब मैं अपने स्टडी रूम में आता हूँ तो मुझे बहुत हद तक सही लगती है, क्योंकि आपकी पढ़ाई को एक नई दिशा देने के लिए, आपके आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट आए, आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं उसका सकारात्मक पक्ष, उसका एक सकारात्मक परिणाम आपके दिमाग में, आपके पास, आपके हक में आए, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अपने स्टडी रूम को, अपने जो जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं उस रूम को आपको कैसा रखना है। तो देखिए, रूम जो है, अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सेपरेट स्टडी रूम है नहीं, वो अपने घर में ही किसी कोने में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के पास अपना सेपरेट स्टडी रूम, उन्होंने किसी घर को सेलेक्ट कर लिया है। किसी के पास एक ही रूम है, उसी में सब कुछ होता है, उसी में स्टडी रूम भी है। तो कहते हैं कि अगर आप खोज में लगे हुए हो ना, अगर आप लगातार आप जो है अगर प्रयासरत हो तो हर चीज का हल निकलता है। तो अगर आपके पास स्टडी रूम है तो ठीक है, स्टडी रूम नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पास कोई स्टडी रूम था नहीं, ये तो मुझे एक छोटा सा रूम अलग था तो उसमें मैंने स्टडी रूम बना दिया। तो आप क्या कीजिए, अपने घर के जहां पढ़ाई करते हैं कोने में, किसी भी कोना जहां पे एकांत जैसा हो, कोई ऐसा जगह जहां पे टेबल और कुर्सी आ जाए, उस जगह को आप अपना स्टडी प्लेस बना लीजिए, सबसे पहली बात। अब आपको मैं कुछ बातें बताना जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जीवन भर पढ़ाई करते रहिएगा और कभी पता चले याद नहीं हो रहा, दिमाग भटक रहा है, ध्यान भटक रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ध्यान को बांध के रखती हैं और आपको भटकने नहीं देती। आप स्टडी रूम में, मतलब अपने उस जगह को, पढ़ने वाली जगह को इस तरह से विकसित कीजिएगा, या विकसित कर सकते हैं कि आप चाह के भी कोई भी बुरा विचार आपके मन में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, कुछ सात आठ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, सफाई स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे और उनके नाम से स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। 2 अक्टूबर को हम लोग भी अपने स्टेशन पर साफ सफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टडी रूम को, कहीं ना कहीं अगर रूम साफ नहीं है तो उस कोने को, जिसमें जहां आपने टेबल और चेयर लगा रखा है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। जी हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, वहां गंदगी ना होने दें। चाहे वो पेपर, छोटे छोटे पेपर की गंदगी हो, पेंसिल के छिलके की गंदगी हो, पेन के ढक्कन की गंदगी हो, सब गंदगी है, थोड़ा सा क्लीननेस रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपने स्टडी रूम में किसी महापुरुष की फोटो लगाने के बजाय आप उन चीजों के पोस्टर लगाइए, उन चीजों को लिख कर लगाइए जो आपको आसानी से याद नहीं होती, जो आपको लगता है कि लिस्टेड है, लंबी है, जैसे संविधान संशोधन मुझे याद नहीं होता था, संविधान के अनुच्छेद याद नहीं होता था, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हाल में मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझे मिल नहीं रहा, मैं हिस्ट्री का जो है वॉल चार्ट लगाने वाला हूँ, तो जो चीज मुझे याद नहीं होती मैं उसको क्या करता हूँ, उसका एक वॉल चार्ट जो है अपने स्टडी रूम में लगा के चिपका के रखता हूँ, फिर याद हो जाए हटा दो। उसके बाद आप चाहे तो कुछ मोटिवेशन एक दो पेज पर लिख के कहीं पे चिपका के या अपने टेबल के सामने रख सकते हैं। टेबल की बात जब आई है तो जिस टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको साफ सुथरा रखिए। जैसे कि देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा तितर बितर लग रहा होगा, नहीं तो मैं ये एरिया पूरा क्लीन रखता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो ये एरिया जहाँ पढ़ रहा हूँ नीचे कुछ भी नहीं रहता। कितने लोगों को मैंने देखा है नीचे पेपर रखते हैं, न्यूज पेपर नीचे, मैगजीन रख देते हैं। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकेगा। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, पेपर के एक ही लाइन पर बार बार आपका ध्यान जाएगा, वो लाइन आपको, मतलब इतिहास याद हो या नहीं हो, आपको वो लाइन याद हो जाएगी, पेपर की लाइन, कि एक माह में गोली चली
सुकमा में टेररिस्ट अटैक हुआ, ये सब आपको याद हो जाएगा। इसलिए जो चीज याद करनी है बेशक उसे अपने टेबल पे रखिए, लेकिन जो चीज आपके काम की नहीं है उसको टेबल के आसपास भी फटकने मत दीजिए। तो नीचे का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। अगर बैकग्राउंड आप पीछे मूवी चला दे, आगे आप भाषण दीजिए, सबका ध्यान उस मूवी पे जाएगा। लेकिन अगर उस बैकग्राउंड को ब्लैक कर दीजिए, वहां खड़े होकर केवल लाइट आप पे फोकस हो, तो ज्यादा फोकस लोग आप पे करेंगे। वही यही दिमाग हमारे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सी चीज हमें ज्यादा दिख रही है वही चीज हमें याद भी होती है, उसी चीज को हम अपनाते भी है। टेबल की बात हो गई। स्टडी मटेरियल, जो आपको जो स्टडी मटेरियल जब पढ़ना है उसी को आप टेबल पर रखिए, पहली चीज। स्टडी मटेरियल में दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी पेन आप यूज करते हैं, स्केच यूज करते हैं, सारे काम की चीज आप एक जगह रखिए, कहीं पे किसी चीज के लिए आपको जो है इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। देखिए मैंने सारे पेन जो है अपने यहाँ पे रख रखे हैं, सारे पेन जो है मैंने इसमें, आपका आप चाहे तो डब्बे को काट के बना सकते हैं। पेन ही नहीं, ये डस्टबिन है, देखिए मैंने डस्टबिन भी बना के रखा है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये डस्टबिन है। इसमें जितने भी पेन आज तक मैंने यूज किए हैं, मैं इधर उधर कचरा फैलाने के बजाय इसको मैं क्या करता हूँ, सबको इकट्ठा कर करके, मैं अभी ऊपर रख दिया था मैंने, इसको मैं हमेशा नीचे रखता हूँ। नीचे एक खाना बना हुआ है उसमें रखता हूँ, सामने नहीं रखता हूँ। उसके बाद अगर मुझे स्टेपलर की जरूरत होती है, कभी कभी नोट्स वगैरह बनाता हूँ तो या पेज वगैरह निकाल के कुछ स्टेपलर काम होता है, तो सारे स्टेशनरी मैं अपने पास रखता हूँ। देखिए ये स्केच, फेविकॉल, कटर, डबल साइडेड टेप, हाइलाइटर, अगर रबर की कोई चीज चिपकानी हो तो वो, स्टेपलर का पिन, स्टेपलर, ये स्टेपलर, तो सब कुछ मैं एक ही जगह जो है साइड में कॉर्नर में रखता हूं, सब रखता हूं, ताकि स्टडी करने के दौरान इमीडिएटली जो किताब उताब फटा मिल गया मुझे, तो मुझे एक कुर्सी छोड़ के नहीं उठनी पड़े, मैं वहीं बैठ के आराम से स्केल, स्केल हो गया तो हर चीज, स्केल, रबर, जो भी चीज आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल में शामिल होनी चाहिए, वो सारी चीज मैं अपने पास रखता हूं। तो जो भी आपके स्टडी पढ़ने का सामान है, जनरल चीजें आप हमेशा रखिए, और जैसे भी इतिहास पढ़ रहे हैं तो केवल इतिहास का यहाँ पे कॉपी, और जो चीज आपको पढ़ना है उसी को सिंगल रखिए, कभी सिंगल रख के पढ़ के देखिए, चारों तरफ से किताब फैला के बीच में घुस के पढ़िए वो, और एक सिंगल किताब पे फोकस कीजिए वो, दोनों में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत बड़ा फर्क आता है, बहुत काम की चीज है, इसको अप्लाई कीजिए, छोटी छोटी बात को अप्लाई कीजिए, तभी जाके जीवन में ये सब जो है आपके सक्सेस में आपकी सहायता करती है। उसके बाद पानी की एक बोतल जरूर पास में रखिए, पानी 2 लीटर वाला बड़ा सा बोतल यहाँ बगल में रखिए, जब आपको लगे नींद आ रही है, जब आपको लगे कि आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप उसको क्या करेंगे, 2 घूंट मार लेंगे, 2 घूंट साकी पिला दे, बस 2 घूंट ही पीना है, फिर बोतल को रख देना है, आराम से स्टडी करें, एक ताजगी का आपको, एक ताजगी आपको महसूस होगी, नया जोश महसूस होगा, पानी में बहुत ताकत है। उसके बाद अपनी डेली रूटीन को हमेशा जो है अपने सामने रखिए, मैंने चिपका के रखा है, मैंने जो मुझे समझ में नहीं आती थी, जो भी सिलेबस है, मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं उसका सिलेबस हमेशा अपने सामने रखता हूं। उसके बाद स्टडी रूम में आपको मैप्स, अगर मैप वगैरह रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आपको जिला हो, देखिए मेरे एक फ्रेंड ने एक विचित्र देश का, देश की राजधानी का नाम पूछ दिया, युगांडा की राजधानी, मुझे, मैं, उसने 3 बार मुझे बताया, मैं 3 बार ही भूला, तो मैंने उसी दिन जो है आके, और ये जो विश्व मैप दिख रहा है आपको, विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप, उस वर्ल्ड मैप में सारे देशों का, सब देश, जितने भी देश हैं, सब में ये आयताकार या वर्गाकार छोटे छोटे बनाकर उसकी राजधानी का नाम लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले जो उसने पूछा था उसकी राजधानी याद की, और सबकी राजधानी की एक बार मैं देख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। लोकेशन जब आता हूँ रूम में घुसता हूँ तो भारत में राज्यों का लोकेशन देख लेता हूँ। अपडेटेड मैप आपको साथ में रखना है, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, अगर नहीं अपडेटेड है तो उसको अपडेट कर लीजिए पेंसिल से लाइन वाइन बना के। तो अपडेटेड मैप, एक वर्ल्ड मैप, एक भारत का मैप, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बिहार का मैप, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का मैप, जिस राज्य की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य का मैप आप लोग अपने रूम में लगा के रखिए।
या जहां पढ़ रहे हैं वहां लगा के रखिए। तो ये कुछ बातें हो गई। उसके बाद अगले टॉपिक पर अगर हम ध्यान दें तो अननेसेसरी चीजों को मत रखिए। पढ़ाई के समय अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है, अगर आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल से तो आप कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्स पढ़ने के समय आप कोई भी अननेसेसरी चीज यहां पे नहीं रखिए। मोबाइल को साइलेंट करके चार्ज में डाल दीजिए, फुल चार्ज है तो कहीं दूसरी जगह रखिए, क्योंकि बीच में किसी को इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया या किसी अच्छे दोस्त का कॉल आ गया, तो 1 घंटे बात करने में आप बिता देंगे, जो पढ़ा है सब भूल जाएंगे। तो उसको आप लोग हमेशा खुद से दूर करके रखिए, लेकिन हमेशा नहीं, जब पढ़ाई कर रहे हो तब खासकर आप खुद से दूर रखिए। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज है कि कभी भी अगर लंबी पढ़ाई कर रहे हो, जी हाँ लंबी पढ़ाई कर रहे हो, लोग कहते हैं लग्जरी चेयर, लग्जरी चेयर सब कोई नहीं लेते हैं, सब कोई रखते नहीं है, या उतना ध्यान नहीं देते। एक चेयर पे आपको पढ़ना है, चौकी कुर्सी चौकी बिछावन बेड पे नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं 1/2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाइएगा, नींद आ जाएगी। तो हमेशा स्ट्रेट चेयर पे बैठ के पढ़िए, लकड़ी की चेयर ले लीजिए, प्लास्टिक की चेयर ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पतला सा तकिया हो गया या कुछ भी मोटा कपड़ा जो है नीचे रख लीजिए, ताकि आपको जो है चुभे नहीं, क्योंकि ज्यादा देर तक करने पर शरीर ही तो है, मसल्स ही तो है, दर्द करने लगते हैं। तो आपको लगे तो कुछ थोड़ा सा मोटा कुछ नीचे रख सकते हैं, उस पर बैठ के आराम से और आराम से जो है पढ़ाई कीजिए। ये सारी चीजें आप अप्लाई करके देखिए, देखिए कल से आपके पढ़ाई के घंटे में और पढ़ने के तरीके में फर्क महसूस आना शुरू हो जाएगा और आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएगी, आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लगने लगेगा, आपको बार बार अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी प्लेस पे जाने का और वहां बैठने का मन करने लगेगा। जैसे आप सारी तैयारियां करते हैं, सभी चीजें जरूरी होती हैं, ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं आपके स्टडी में अच्छे से स्टडी के लिए, और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इन सब चीजों पर खासकर ध्यान रखिएगा। मोटे मोटे किताबें लेके, मोटे मोटे नोट्स लेके केवल पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई का माहौल भी क्रिएट करना पड़ता है। तो बने रहिए, ऐसे ऐसे जो है ज्ञान देते रहूंगा मैं आपको, मर्जी आपकी है, आप अप्लाई कीजिए या फिर छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मजे लीजिए या फिर पढ़ाई कीजिए, सफल होइए, लोगों को दिखाइए। आपकी लाइफ, आपका करियर, आपका फैसला, आपकी पढ़ाई और आपका डिसीजन, सब कुछ आप ही को करना है। कोई दूसरा आपको हाथ पकड़ के आपको पढ़ाने नहीं आएगा, सब आपको करना है। कोई मार्गदर्शन दे सकता है, कोई मित्र भाषण दे सकता है। तो थैंक यू दोस्तों इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए, बाकी ऐसे ऐसे वीडियो तो लाते रहूंगा। ऐश कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।